12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भगवान शिव की कृपा बरसने लगी है। केदारनाथ धाम में सफेद बर्फ की चादर ओढ़े वादियों का नजारा देखते ही बन रहा है। केदारनाथ धाम में जो बर्फबारी हो रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो भगवान शिव खुद मोती बरसा रहे हों। केदारनाथ धाम में 2023 की पहली बर्फबारी ने दस्तक दे दी है, जिससे वहां के सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है, जिसके बाद वहां ठंड काफी बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी ओर धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी अब प्रभावित हो गए हैं। बर्फबारी होने के बाद धाम में रह रहे मजदूर भी नीचे आने लगे हैं। इसके अलावा द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ के साथ क्रौंच पर्वत पर विराजमान भगवान कार्तिकेय के धाम में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। चोपता तुंगनाथ में बर्फबारी होने की खबर सुनते ही सैलानियों ने वहां का रुख करना शुरू कर दिया है। अगर पिछले साल की बात करें तो इन दिनों केदारनाथ धाम 5 फीट से भी ज्यादा बर्फ की चादर से ढका रहता था, लेकिन इस बार धाम में अधिक बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके चलते पुनर्निर्माण कार्य आसानी से होते रहे। मगर अब बर्फ गिरने के कारण धाम में चल रहे काम भी प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से पुनर्निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर नीचे की ओर लौटने लगे हैं। फिलहाल पूरी केदार नगरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और धाम पूरी तरह से कोहरे की चपेट में भी आ गया है। मगर बर्फबारी और कम तापमान के चलते भी सैलानियों के बीच एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।